वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए बना रही हूँ रशियन सैलेड। चलें शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने लिया एक बॉल और मैं ले रही हूँ मायोनीज एक कप। ये बहुत हेल्थी सैलेड बनता है, बहुत मजे का, क्रंची, इंशाल्लाह आपको पसंद आए। ला रही हूँ एक कप फ्रेश क्रीम, आप बलाई भी डाल सकते हैं। इसमें मैं अब डाल रही हूँ एक टीस्पून नमक, एक टीस्पून व्हाइट मिर्च, एक टीस्पून चीनी, और एक टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च। अब हम इन सब चीजों को थोड़ा सा बीट करेंगे। अब हमारा बहुत अच्छे से बीट हो गया। अब हम इसमें अपनी चीजें डालेंगे। आपको जो भी पसंद हो अपनी पसंद से आप चीजें डाल सकती हैं इसमें। ये मैंने दो कप सेब लिए हैं, बारीक चॉप कर लिए हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं सफेद चने उबले हुए, दो कप ही है। ये मैक्रोनी डाल रही हूँ मैं, दो कप उबली हुई, उबाल के ठंडी कर ली थी मैंने। ये मैंने लिया है लाल लोबिया, ये ऑप्शनल है, पसंद हो तो डाल लें, नहीं पसंद तो अवॉइड कर सकते हैं। ये मैंने एक कप गाजर उबाली थी, ये ली है, एक कप खीरा है बारीक कटा हुआ, और एक कप ही आलू है। ये तीनों चीजें मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये मैं एक कप स्वीट कॉर्न लिए हैं, भुट्टा भी से कहते हैं, उबला हुआ लिया मैंने, आप खुद से भी उबाल सकती हैं। और ये ठंड में मैं डाल रही हूँ इस पे अनार, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अगर पसंद हो तो जरूर डालें। ये मैं थोड़े से किशमिश के दाने डाल रही हूँ। अब हम दो चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। आप इसमें इसको फ्रिज में रखें, जब भी सर्व करना हो तो घंटा दो घंटे पहले बना के तो फ्रिज में रखें, क्योंकि इसको बाहर नहीं रखना, नॉर्मल टेम्परेचर पे, ये ठंडा ही अच्छा लगता है। ये हमारा सैलेड बिल्कुल मिक्स हो गया है। इस पॉइंट पे आके इसको चेक कर सकते हैं, इसकी चीनी, नमक या कुछ अगर कम लगे आपको तो आप इसमें डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। देखिए बहुत मज़ेदार कलरफुल सैलेड तैयार है। इसे आप पार्टी में बना सकती हैं, दावत में बना सकती हैं, अपने दोस्तों को बुलाएं, उनको खिलाएं, बनाएं और मज़े करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।